श्लोक मला पहला पुरखा बिरखा तीरखा तटा मेघा खेता दीपालोआ मंडला खंडावर भंडा अंदजे जे रजे उत्पुझा खाणी से तजा सोमित जाने नाम का सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय के संभाले सब नाम जिन करते करना किया चिंता भे करणीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुआरी स्वस्थ तिस दीबाणी अभगे नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की ये महान रचना श्री आसा दीवार की अठवीं पौड़ी का ये पहला श्लोक जो पहले पातशाह जी का ही उच्चारण किया होया है। इस श्लोक की मूल पंक्ति है सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता। मनुख के अंदर एक भुख है हर वस्तु नू नापण दी तोलण दी और गिणन दी। हर वस्तु नू ए पूर्ण तौर पर समझना चाहता है जानना चाहता है और ये बड़ी प्रबल भुख लेके जमांदरू ही आया है और ऐसी भुख केवल मनुखी दुनिया विच पाई जाती है पशु जगत विच नहीं। मनुख हर चीज नू सिर्फ भोगना ही नहीं चाहता जानना भी चाहता है सिर्फ हर वस्तु नू हासिल ही नहीं करना चाहता उनू समझना भी चाहता है उनू जानना भी चाहता है। एक चीज नू जानन दे नाल दूजी चीज की जानकारी की भुख वधदी है। एक पदार्थ नू जानन दे नाल दूजा पदार्थ सामने आ जाता है उनू भी ये जानन की कोशिश करता है फिर ये जानकारी का दायरा ये भुख वधदी है ते मनुख पूरे संसार नू जानना चाहता है और पूरे निरंकार नू भी जानना चाहता है। यही कारण है कि पदार्थ की खोज भी हुई और परमात्मा की खोज भी हुई जितनी खोज हो सकी उतना ही लिखिया जा चुके है लेकिन खोज अजे जारी है। पूर्ण तौर पर पदार्थ के खोजी ने भी यह नहीं आख्या कि मैं सब कुछ खोज लिया अजे ऐसे ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे इतनी दूर ने कि मनुख की निगाह भी अजे उत्थे नहीं पहुंची भावें बारीक तो बारीक और शक्तिशाली दूर महीना आलमे वजूद विच आ गई ने लेकिन फिर भी कुछ दुनिया ऐसी है जो मनुख की अजे कल्पना तो भी परे है। इकबाल ने ठीक ही आख्या सितारों से आगे जहां और भी है सिर्फ ये चमकते हुए सितारे ही सब कुछ नहीं इस तो परे भी कुछ दुनिया है इस तो परे भी कुछ पृथ्वी है इस तो परे भी कुछ जीवन है और अनंत ए जीवन। तो पदार्थ दे खोजी ने भी अजे पूर्ण तौर पर ऐसा दावा नहीं किया कि मैं सब कुछ नु जान लिया सब कुछ नु समझ लिया। तो जब पदार्थ की पूरी खोज नहीं हो सकी तो परमात्मा की खोज भी अधूरी है। इस वास्ते दावा नहीं किया जा सकता कि मैं पूर्ण तौर पर परमात्मा नु जान लिया। कई दफा हैरानगी आती है कि पदार्थ की दुनिया में ऐसा दावा नहीं कि असी सारे पदार्थ के तल ग्रह नक्षत्र और सारे ब्रह्मंड नू पूर्ण तौर पर समझ लिया है लेकिन कई दफा धार्मिक दुनिया च यह दावा देखी दे कि असी परमात्मा नू समझ लिया है असी परमात्मा नू जान लिया है असी पूर्ण तौर पर उसनू पहचान लिया है। नहीं पूर्ण तौर पर पहचान नहीं होगी रंचक मात्र होगी लेश मात्र होगी। साडे घर सूरज की किरण प्रवेश कर सकती है पूरा सूरज नहीं
हिरदे विच प्रभु दी थोड़ी जिया जोत ही उजागर हो सकती है, पूरे दा पूरा परमात्मा नहीं। तो साहिब कहिंदे ने उस परमात्मा दा रचिया होया यह समूह संसार किन्ना क वड्डा है, किन्ना क महान है। आप कहिंदे ने सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता, उही जानदा है। इदा अंदाजा उन्हों ही है किन्ने पहाड़ ने, किन्ने सरोवर ने, और कितनियां पृथ्वियां ने, और इन्ना पृथ्वियां और इन्ना सरोवरां ते पहाड़ां दे ते रहन वाले किन्ने जंत ने, कितने क जीव ने, ए ते उही आप जानदा है। अनंत ए पसरे होया पदार्थमई जगत है, जिदा जिक्र सतगुरुदेव जी महाराज इंज करदे ने, पुरखां बिरखां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां। पुरखां इंज गिणती मनुख तो करदे ने, पुरश फिर दरख्त, फिर तीर्थ ते तीर्थां दे तट, मेघां बदलां ते फिर खेतियां। साहिब कहिंदे ने ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬਿਰਖ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੱਟ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਦੀਪ ਨੇ और कितने मंडल ने, कितने पृथ्वी दे खंड ने। जैसे साडे देश नूं भी कहिंदे ने भारत खंड, पृथ्वी दा एक हिस्सा, एक खंड, भारत खंड। कितने खंड ने, कितने वरभंड ने, कितने दीप ने, कितनियां खेतियां ने, कितने बदल ने, कितने तीर्थ ने, कितने तट ने, कितने वनस्पति है, और कितने पुरुष ने। साहिब कहिंदे ने यह अंदाजा उसनूं है, सो मित जाने, उही मित जानदा है, उहनूं ही अंदाजे दा पता है। फिर साहिब कहिंदे ने अंडज जेरत उजहां खाणी सेत जान। ये जो चार खाणियां ने, सब तो प्रथम ते वड्डी खाणी अंडियां दी, फिर जेर पेट तो पैदा होण वाले, उतभुजां धरती दे चों पैदा होण वाली बनस्पति, और पसीने तो पैदा होण वाले चिचड़ जूं चम चिचड़ इत्यादि। कितनियां क खाणियां ने, और इन्हां खाणियां दे चों किन्ने क जीव रोज पैदा हो रहे ने, कितने पाताल ने, कितने मंडल ने, कितने धरती दे खंड ने, और कितने पुरख ने, कितनियां पृथ्वियां ने, कितने दरख्त ने, कितने तीर्थ ने, और किन्ने तीर्थां दे तट ने। सब कुछ दा सतगुरु देव जी महाराज इंज हवाला देंदे ने, सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता। इह ते हो आप ही मित जानदा है कि कितने सरोवर ने, किन्ने पहाड़ ने, और इन्हां सरोवरां पहाड़ां ते पृथ्वियां दे च रहण वाले किन्ने जीव जंतु ने। इह ते सो मित जाने वो आप ही परमात्मा जानदा है, वो आप ही अकाल पुरख जानदा है। भाव पसारा बहुत वड्डा है, वड्डे चित्रकार दी रचना वड्डी होंदी है, महान कवि दी कविता महान होंदी है, महान संगीतकार दी धुन भी महान होंदी है, महान मूर्तिकार दी मूर्ति भी महान होंदी है। ईश्वर महान करता है, इस वास्ते उसकी किरत भी महान है। जिथे उस करते दा अंत नहीं पाया जा सकता, उसकी कृत दा भी अंत नहीं पाया जा सकता। आप अथाह है, अगम है, उसकी कृत भी अथाह है, अगम है। संसार किधरे मुकदा होया दिखाई नहीं दे रहा। ते संसार सिर्फ इतना ही नहीं जिथे असी रहिंदे आ, जिस पृथ्वी ते असी रहिंदे आ, इस तरह दियां अनंत पृथ्वियां ने, और ऐसियां भी पृथ्वियां ने, ऐसी भी दुनिया है जिस दी शायद अजे मनुख ने कल्पना भी नहीं की थी। जो मनुख दी सोच तो भी परे, जो मनुख दी विचार तो भी परे,
जो मनुख की कल्पना की प्रवास तो भी परे है। साहब अगां चल के कहंदे ने नानक जंत उपाय कै संभाले सबना। जीव जंतुआं नूं पहाड़ां विच सागरां विच धरतियां विच पैदा करके साहब कहंदे ने फिर उन्हां दी उह संभाल करदा है, सारिआं दी संभाल करदा है। दरअसल मनुख एवें फिक्र ते तनाव विच बजिआ रहिंदा है, इनू कौन दसे तेरी दृष्टि परमात्मा दे है। दृष्ट प्रभु दी हर वक्त तेरे ते पै रही है, तू दी दृष्टि दे थले है। हाथी तो लेके कीड़ी तक उदी दृष्टि दे थले है, और सिर्फ उसकी नजरां दे च ही नहीं, वह संभाल करता है, प्रतपालना करता है। प्रतपाले अप्याओ दे कछ ऊन न होई, सास सास संभालता मेरा प्रभु सोई। रिजक सवाए सास सास गूड़ा जांका ना, स्वास स्वास रिजक देन वाला, हर जीवन धारी नू रिजक देन वाला, ऐसा वो राजक रहिंद है, ऐसा वो रोजी देहिंद है। तो साहिब कहिंदे नानक जंत उपाय कै संभाले सबना, सारे जीवां दी वो संभाल करदा है, जितने जीव जन उसने पृथ्वी पहाड़ां ते सागरां विच पैदा कीते ने। जिन करते करना किया चिंता भी करनी ताँ है, करना उस करते दा है, सारी कृत है वो करता है। तो हुण कृत दी चिंता उस करते नूं होनी चाहीदी है, कृत स्वयं क्यों चिंता करे। असी कृत हाँ, परमात्मा साडा करता है, समूह ब्रह्मंड ए संसार कृत मंडल है, और इसका करता है अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा। हमेशा करते नूं ही कृत दी चिंता होंदी है। बदकिस्मत है वो कृत जो अपनी चिंता आप करे, नहीं तू सिर्फ चिंतन कर करते दा, ते करता तेरी चिंता करेगा, तेरी फिक्र करेगा, तेरी संभाल करेगा। तू चिंतन ना भी कर ता भी वो तेरी चिंता करेगा, ता भी वो तेरी संभाल करेगा, पर तैनू ये बन आमदा है, तेरे ते ये लाजमी है, तेरा ये फर्ज है कि तू करते दा चिंतन कर। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने हवाए बंदगी आवुरद दर वजूद मरा, वगर ने जौके चुनी आमदन न बूद मरा। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे भजन की खिच मैनू इस मनुखा जामा दे ले आईए, वरना इस नीले गुंबल दे थले आके मैं की करना सी, खांदा पींदा ते मैं पशु जून दे भी रहा, और बाल बच्चे ते मैं पशु जगत दे भी पैदा करदा रहा, पर मनुखे तन की जिहड़ी हविश है, इस तन तक जो मैनू ले आईए, ये हविश है तेरे मिलन की, ये इच्छा है तेरे मिलन की, तलब है तेरे दीदार दी। हवाए बंदगी आवरुद दर वजूद मरा, वगर ने जौ के चुनी आमदन नबूद मरा। वरना इस दुनिया दे च आन दा मेरा कोई कारण होर दिखाई नहीं देंदा, क्योंकि आखिए कि बंदा खाण पीण लई आया है, तो पशु खांदे पींदे ने, बंदा बच्चे पैदा करन लई आया है, तो पशु भी बच्चे पैदा करदे ने, बंदा बच्चियां दी पालना करन लई आया है, तो वह भी पालना कर देन, पशु भी पालना कर देने, रहन लई वह भी मकान बना लेंदे, घोंसले बना लेंदे, खुड्डा बना लेंदे, रिजक दी तलाश वह भी कर देने, रोजी उन्हां नूं भी प्रभु जो है देंदा है। नहीं, तू रिजक दी तलाश लई नहीं आया, तू राजक रहिंद दी तलाश लई आया, तू बच्चे पैदा करन लई नहीं आया, तू अपने अंदरों परम ज्योति नूं पैदा करन लई आया, तू सिर्फ बच्चियां दी पालना करन लई नहीं आया, दरअसल तू अपनी आत्मा दी संभाल लई आया। हवाए बंदगी आवुरद दर वजूद मरा, वगर ने जौ के चुनी आमदन नबूद मरा। बंदगी दी खिच मैनू इस तन दे च ले आई, वरना इसका कोई लाभ मैनू होर दिखाई नहीं दे रहा। हकीकत है, ये बहुत वड्डी सच्चाई है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने अकाल पुरख तेरी चिंता करेगा,
तू अकाल पुरख का चिंतन कर, तू उसका सिमरन कर, वह तेरी संभाल करेगा। तू उसनु याद कर, वह तेरिया झोलियां भरेगा। उदा फर्ज है तेरी संभाल करना, तेरा फर्ज है उनु याद करना, उदा चिंतन करना। तो साहब कहते हैं जिन करते करना किया, चिंता भे करने ता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। जिसने सारा जगत पैदा किया है उस करते नु ही इसकी चिंता है। हकीकत है इसनु सतगुरु जो बार बार दोहरा रहे ने कि उन्हों चिंता है, उन्हों चिंता है। दरअसल मनुख है बहुत सारिया चिंतावां दी पिंड पंड अपने सिर ते चुकी फिरदा है। गुरु नानक देव जी महाराज इस पंड नू उतारना चाहते ने, इस बोझ नू उतारना चाहते ने। अनंत तरह दियां चिंतावां दे चों सब तो प्रबल चिंता है रिजक दी, रोजी दी। अज मिलिया है कल मिलेगा कि नहीं, अज मैं जी सकिया पता नहीं कल जी सकांगे कि नहीं, अज मैनू रोजी मिली है पता नहीं कल रोजी मिलनी है कि नहीं। और चिंता कल दी, चिंता भविष्य दी। ईरान दे एक प्रसिद्ध सूफी फकीर जनाब शेख सादी साहब कहिंदे ने गमे रोजी मखुर, रोजी दा गम ना कर, रिजक दा गम ना कर। गमे रोजी मखुर मजन औरा के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद कल कुनद पस्ताने मादर रा। देख तेरा जन्म बाद दे छोया, मां दे अस्थन पहले ही बन गए, दुद पहले ही बन गया। रामकली राग रिच गुरु अर्जन देव जी महाराज हू बहु इसे ढंग दा फरमान फरमांदे ने। प्रथमे माखन पाछे दूध मैलू कीनू साबन सूद। प्रथमे माखन पहले मां दे थन ने दुध पिछे, रोजी दे सोमे पहले ही बना दिते ने। तेरा जन्म होया है तेरे जन्म तो पहले भी दुध मौजूद है, रोजी दे सोमे मां दे अस्थन मौजूद ने। इत्थों क्यों नहीं प्रेरणा लेंदा। भगत धन्ना जी एक दिन सुते सिद्ध जंगल दे चटेल दे हुए निकल रहे ने एक पगडंडी तो, आप दे पैरा नाल एक मिट्टी दा बड़ा सख्त ढेला ठोकर खा गया, वो टूट गया। उस टूटे ढेले विच की देख दिन धन्ना जी एक कीड़ा है और उस कीड़े दे मुंह दे बेर दा पत्ता है, वो टुक टुक के खाई जा रहे है। आप दी अगम्मी दृष्टि आप दी अध्यात्मी सुरत एकदम विस्माद दे मंडलां च खो गई। आप कहिंदे पाखान कीट गुपत होए रहता तांचो मार्ग नाई कहे धन्ना पूरन ताहू को मत रे जिए डराई। कोई रस्ता नहीं कोई मार्ग नहीं इस गुप्त रहिंदे कीड़े नूं गुप्त रूप दे च रिजक पहुंच गया, रोजी पहुंच गई है। मनुख दे ज़ेहन दिते हर वक्त जड़ा बोझ ते तनाव है ये रोजी दा है। कहिंदे ने ये तनाव पंछियां दे जगत दे च नहीं है, पशुआं दे जगत दे च नहीं है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते ऐसा फरमान करदे ने परिंद है ना गिर है जर, पंछियां कोल ना जर है ते ना ही कोई सोने गोदाम ते मकान ने जिहदे च ओ कोई अन्न दा चुगे दाने दा स्टाक कर लैण इकट्ठा कर लैण। परिंद है ना गिर है जर दरख्त आब आस कर देहंद सोही एक तू ही एक तू ही। पंछी अज रज के आ रहे है कल दी फिक्र नहीं, कल फिर परमात्मा होवेगा, कल फिर ईश्वर होवेगा। कहिंदे ने एक फकीर मस्त फकीर ख्वाजा मई दिन दी चिश्ती दी दरगाह दे बाहर बैठा हथ फैला के भिक्षा मंग रहा सी, लेकिन है किसे रंग दे च रंगिया होया।
मंग रहा सी सिर्फ चार आने, मैं दो रोटियां लेनियां चार आने दिया। एक संत ने अठैनी हथेली ते पकड़ा दिती, आख्या ऐ लै। वो फकीर कहन लगा, संत जी ठहरो, उन्हें चार आने दिया दो रोटियां लईयां, ते चार आने संत नू वापस करन लगा, आखन लगा मैनू चवानी चाहीदी सी। अठैनी ने उस संत ने कह दिता, कोई गल नहीं फकीर साई, बाकी चार आने दियां कल दो रोटियां ले लैनियां। उन्हें चवानी भी सुटी, दो रोटियां भी संत दे हथ ते थमा दित्तियां, आखिया मैं ना शुकरे दे पैसे दियां रोटियां नहीं खानियां, जिस खुदा ने मैनू अज दिता है वह मैनू कल भी देवेगा, ते तू ना शुकर है, तैनू ईश्वर का बोध नहीं, अकाल पुरख का बोध नहीं, जिन्हें अज दिता है वह कल भी देवेगा, जिसने अज तैनू भेजे है वह कल किसी होर नू भेजेगा, मेरा तो यह यकीन है, मेरा तो यह भरोसा है। पर तू साध बाणे विच हो के भी भरोसे तो हीण है, विश्वास तो हीण है, पूर्ण निश्चय तो हीण है, डोले आया। दरअसल जैसे जैसे कोई सिमरन करता है परमात्मा ते भरोसा जमदा है, ते जब परमात्मा ते भरोसा जमदा है तो कल दी फिक्र मिटदी है, मनुख अज नू ही सवार दा है, अज दे च ही जीवदा है, और उसनु पता है कि अमिट है परमात्मा, इस वास्ते रोजी भी उसकी अमिट है, देंदा रहेगा देंदा रहेगा। हाँ, देंदियां थकदा भी नहीं, कई दफा मनुख कुछ वस्तु देन लग पैंदा है ते देंदियां ही थक जांदा है, पर साहिब कहिंदे ने वो ते ऐसा दाता है, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। अनंत काल तो देई जा रहे है, देई जा रहे है, देई जा रहे है, लैण वाले थक जांदे ने, देण वाला नहीं थकदा, वो अजे भी देई जा रहे है। तमाम जीवां नू, तमाम जीवन श्रेणी दी झोली विच रिजक पा रहे है, कुछ भी मुकिया नहीं है, एक चीज मुकदी है दूसरे दे अंबार प्राप्त हो जांदे ने, दूसरे दे अंबार लभ पैंदे ने, तो पृथ्वी विच रिजिक जीवां दा मौजूद है, अरबां खरबां साल तो जीव इस पृथ्वी दे चों रिजक कढ रहे ने, रोजी कढ रहे ने, दातां प्राप्त कर रहे ने, खा रहे ने, पी रहे ने, पर प्रभु दा भंडारा अजे तक मुकिया नहीं ते ना ही मुकना है। तो साहिब कहिंदे ने जिस परिपूर्ण परमात्मा ने यह सारा जगत बनाया है उसे नूं ही इसकी चिंता है। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, महाराज कहिंदे ना कर चिंत, चिंता है करते, तू ना चिंता कर, चिंता करते दी झोली च पा, ओनू करन दे और कर रहे है, तू सिर्फ चिंतन कर। बदकिस्मती है कि ईश्वर ते चिंता करदा है, संभाल करदा है, मनुख भी चिंता करन लग पैंदा अपनी, और होंदा की है कि इन्हां चिंता दे तनाव दे थले, बोझ थले मनुख खामखा दबाया रहिंदा है, और मनुख दा अध्यात्मक विकास रुक जांदा है। सारी दुनिया दे च जो अध्यात्मक विकास रुके है वो महज इस चिंता करके, इस तनाव करके, इस बोझ करके। साहिब कहिंदे ने उद्यम करना तेरा धर्म है, चिंता करना तेरा फर्ज नहीं है। चिंता करना प्रभु दा फर्ज है, उद्यम करना तेरा फर्ज है। तू उद्यम करी जा, तू मेहनत करी जा, तू पुरुषार्थ करी जा, तेरे पुरुषार्थ नू योग्यता अनुसार, तेरी प्रालब्ध अनुसार वो भाग लांदा जाएगा, झोलियां भरदा जाएगा, तेनू देंदा जाएगा, और तेरे प्रालब्ध दे बूटे नू जितने फुल लग जान, जितने फल लग जान, उनू खिड़े मत्थे तस्लीम कर ले, उनू खिड़े मत्थे प्रवान कर ले, उनू खिड़े मत्थे अपनी झोली च पा ले। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जुआरी स्वास्थ तिस, तिस दीवान अभग। साहिब कहिंदे ने उसदा हुक्म, उसदा दीवान, उसदी दित्ती हुई रिजक अभग है, भाव मिटन वाली नहीं है, उहदा दरबार मिटन वाला नहीं है, उहदी दावत मिटन वाली नहीं है। साहिब कहिंदे ने इस तरह का जिहड़ा दाता है, इस तरह का जो परमात्मा है, उसनू मेरी नमस्कार है, उन्हों मेरी जय जयकार है, मैं जय करदा, मैं नमस्कार करदा, मैं उस तो सदके हाँ,
मैं जोहार करदा मत्था टेकदा उस परिपूर्ण परमात्मा नूं जिसका फैसला जिसकी दात जिसका दीवान अमिट है और जो देंदा रहिंदा है लैण वाले मिट जांदे ने देण वाला नहीं मिटदा मंगते मिट जांदे ने दाता अपनी थां ते अमर रहिंदा है सदैवी रहिंदा है तिस जुआरी स्वास्थ तिस तिस दीवान अभग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। नाम अध्यात्मक जीवन दी रूह है। अध्यात्मक जीवन नाम दे आसरे ते है। नाम नहीं तो बाकी जितने धार्मिक चिन्ह ने यह मृतक सिंगार हो सकता है मुरदे दा सिंगार। इस वास्ते साहिब कहंदे ने नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। सच्चे नाम दे सिमरन तो बिना सच्चे नाम दे जाप तो बिना की मैंने रखदा टिक्का की मैंने रखदा जनेऊ। साहिब कहंदे ने नाम दे विच ही सारे शिंगार आ गए ते नानक के घर केवल नाम मेरे घर दे च ते केवल नाम दी ही महिमा है। गुरु घर दे च नाम दी ही महिमा है। उंज भी अनंत भगत जन भी ऐसा कहंदे ने सतजुग सत त्रेता जगी द्वापुर पूजा चार तीनों जुग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। मौजूदा दौर ते केवल नाम दा ही है। नाम दे आसरे ते ही साडी जीवन नौका पार हो सकती है। तो साहिब कहंदे ने नाम तो बिना जितना भी धार्मिक श्रृंगार है वह व्यर्थ है। उस श्रृंगार दे च टिक्का धोती और जनेऊ खास करके है इस देश दे च। तो साहिब कहंदे ने नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे च एक खूबी सी कि आप हर उस श्रृंगार नूं मिथ्या करके कहंदे रहे जिहदे च नाम नहीं। नाम कोई जप रहा है नाम उसके कोल है प्रवान है जनेऊ प्रवान है टिक्का पर नाम ही नहीं तो सारा श्रृंगार व्यर्थ है। महला पहला लखने किया चंगियाया लख पुन्ना परवान लख तप ऊपर तीर्था सहज जोग बेबान लख सुर तन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मती मिथ्या करम सचा निशान पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुरु मिलिए सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूरख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया। अठवीं पौड़ी नाल जुड़े दूजा श्लोक इसकी मूल पंक्ति है नानक मती मिथ्या करम सचा निसा सारी सोचनी व्यर्थ है सारी मत व्यर्थ है सारियां तदबीरां बेमैनी ने बस इको ही है खास ओ है प्रभु दी बख्शिश उदी रहमत उदी जो रहमत है उदी जो बख्शिश है ते उसकी बख्शिश दा जो मत्थे ते निशान है बस यही महान है। बाकी मत बाकी सोचनी व्यर्थ है। भाव ऐसा सोच ऐसी प्रार्थना कर कि उदी बख्शिश होवे ते बख्शिश दा बकायदा निशान पै जांदा है बख्शिश दा बकायदा परवाना मिलदा है। भाव बख्शिश गुज्जी छिपी नहीं रहिंदी। जितना वड्डा ओ दाता है और ओ प्रगट है उदी दात भी प्रगट होंदी है। मत्था दस देंदा है इस बंदे कोल नाम है इस कोल ज्ञान है इस कोल गुण है इस कोल कला है गुज्जी छुपी गल नहीं रहिंदी। तो साहिब इत्थे फरमान करदे ने
ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ? ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਮਾਣ। ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ, ਐਸੇ ਪੁੰਨ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਐਸੇ ਪੁੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਨੰਤ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਨੀਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਦੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੋ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗਿਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁੰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਨੇਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਰਨਾ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫੁੱਟੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਕੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣ, ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰ ਥਾਂ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ। ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਡੋਲ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ ਜਾਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਪ ਨੂੰ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਰਟਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਨੂੰ, ਅਡੋਲ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਜਪ ਅਤੇ ਤਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਪ ਤਪ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਔਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਅਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਸੂਝ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਟਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
अपनी मौज नाल, अपनी मस्ती नाल। सब कुछ तो कर, लेकिन आस रख उसकी बख्शिश दी, अपने कीते हुए कर्म नाल ना जुड़। कर्म करत होवे नह कर्म, तिसन बैसनों का निर्मल धर्म। धर्म मलीन भी होंदा है, कीते हुए कर्म नाल जुड़ जाइए ते कीते हुए कर्म नूं ही परमात्मा की प्राप्ति का मुल समझ लईए तो कर्म मलीन हो गया, धर्म भी मलीन हो गया। संसार विच मनुखता की झोली विच जो बहुता धर्म है वह मलीन है, क्यों कि वह धर्म, वह कीते हुए कर्म प्रभु का मुल समझिया गया है। ते मुल ते परमात्मा दा है ही नहीं। अमुल गुण, अमुल वापार, अमुल वापारीए, अमुल भंडार, उदा ते कोई मुल नहीं है, उदा ते कोई मुल पा ही नहीं सकदा। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। तेरी कीमत नहीं पाई जा सकती, तेरा मुल नहीं पाया जा सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, किसे कर्म नाल, किसे धर्म नाल, किसे जप नाल, किसे तप नाल, किसे साधना नाल, किसे वर्त नाल, किसे पूजा नाल, तेरा मुल नहीं पाया जा सकता, तेरी कीमत नहीं पाई जा सकती। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। जो तेरी उपमा करते हैं, जो तेरा जप करते हैं, ते जप करद ही करद एक दिन ऐसा होंगे तेरे विच लीन हो जाते हैं। पर कौन लीन हो जाते हैं? जो जप नू तेरा मुल नहीं समझते, जो जप नू तेरी कीमत नहीं समझते, जो नेकियां नू तेरी कीमत नहीं समझते, जो कीते हुए पुन नू तेरी कीमत नहीं समझते, बल्कि करी जांदे न, करी जांदे न, करी जांदे न, भरोसा तेरी बख्शिश ते, यकीन तेरी बख्शिश ते, अपने कर्मा ते नहीं। जे अपने ही कर्मा ते भरोसा है तो फिर मैला धर्म है, हंकार पैदा होगा। अक्सर देखीदा है तीर्थ दान वर्त इत्यादि करके मनुख का तकबर वध जाता है, हंकार वध जाता है। क्यों? भरोसा अपने कर्म से, भरोसा बख्शिश से नहीं, भरोसा अपने कीते कर्मा से, मैं ये कर्म कीते ने। त्याग ते वैराग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते हैं, तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेह फल जात ते ज्यों कुंजर इशनान। हाथी इशनान ते करता है, सूंड दे नाल खूब अपने पिंडे ते पानी पांदा है, मल मल के नांदा है, पर एकदम दरिया तो बाहर निकलदे हैं मिट्टी सूंड नाल ही अपने सिर ते पांदा है, अपने बदन ते पांदा है। तो कीता होया इशनान व्यर्थ चला गया, कीता होया दान उदों व्यर्थ चला जांदा है जद हंकार दी मिट्टी मनुख अपने ते पा लैंदा है। कीता होया पुन दा इशनान उदों व्यर्थ चला जांदा है जद हंकार दी छाई मनुख अपने उपर पा लेंदा है। जपया होया नाम और इसका इशनान उदों व्यर्थ चला जाता है जद हंकार की खाक मनुख अपने उपर पा लेंदा है। सिर्फ हाथी ऐसा नहीं करते कि इशनान करके उपर मिट्टी पा लैन, मनुख भी ऐसा करता है। फर्क सिर्फ इतना है, वह तन नू इशनान कराता है तो तन ते मिट्टी पा लेंदा है, मनुख भी मन नू इशनान कराता है तो मन ते हंकार की मिट्टी पा लेंदा है। दान पुन जप तप ये मन का इशनान है, इधर इशनान कीता इधर हंकार की मिट्टी पा ली। इस वास्ते देखने दे आया है कि तथा कथित धार्मिक जितने हंकारी आते हैं उतना अधार्मिक हंकारी नहीं है। क्यों? कि हंकार करन लई उदे कोल कुछ है ही नहीं, ना दान ना पुन ना जप ना तप ना शील ना संजम, वो किसका हंकार करे। लेकिन एक धार्मिक बंदे को हंकार करने लई बहुत कुछ है, उदे कुल दान है, उदे कुल पुन है, उदे कुल पूजा है, उदे कुल तीर्थां दा रटन है, उदे कुल वर्त है, उदे कुल अनेकां तरह दियां योग साधना ने, इस सब कुछ दा उसदे कुल अहंकार है, इस सब कुछ उसदे कुल है। लेकिन इत सब कुछ मन दे इशनान लई गए। मैं अर्ज करां योग साधना मन दा इशनान है, अहंकार मन ते मिट्टी पाना है। दान मन नू हौला करना है, बोझ हटाना है, मन दा इशनान है। लेकिन अहंकार मन ते छाई पाना है, खाक पाना है। जप करना तप करना मन नू इशनान कराना है, अहंकार करना छाई पा लेना है, खाक पा लेना है।
हाथी दी तरह मनुख भी करदा रहिंदा है। दरिया दे कंडे खड़े होके हाथी इशनान करदे ने, हाथी उपर मिट्टी पा लैंदे ने, गुटखा लैके धार्मिक मंदिर दे तट ते बैठ के, तीर्थां दे तट ते बैठ के मनुख अपने मन नूं इशनान करांदे ने, उपर अहंकार दी खाक पा लैंदे ने, उपर अहंकार दी मिट्टी पा लैंदे ने। इक्को कुछ हालत हाथी दी तरह, तीर्थ बर्त अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक नेफल जात ते जिं कुंचर इसनान। तो महाराज कहंदे ने नेकियां इक नहीं अनंत, पुन एक नहीं अनेकां कीते जान, और तप भी एक नहीं अनेकां तरह दा तप, और एक तीर्थ दा रटन नहीं अनेकां तीर्थां दा रटन, ते उन्हां तीर्थां दे उत्ते बैठ के कीता होया तप, लखां तीर्थां दा इशनान ते लखां ही तीर्थां दे उत्ते बैठ के कीता होया तप ते जप, ते लखां तरह दी ही सहज योग साधना, अडोल योग साधना, और फिर ब्याबान देच उजाड़ देच बैठ के ये योग साधना करनी, ये जप करना, ये तप करना, इस तरह दे कर्म करने। फिर साहिब कहंदे ने लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लखां तरह दी सुरमताई दिखाना, बहादुरी दिखाना, और इतनी बहादुरी कि प्राणा दा अंत भी मैदान जंग दे जावे, उत्थे ही अपने स्वास ते आ गए। महाराज इत्थे कहंदे ने कि इह भी प्रभु प्राप्ति दा मुल नहीं है, हजारां तरह दी सुरमताई दिखानी ते मैदान जंग विच अपने प्राणा दी आहुति दे देनी, इह भी प्रभु दा मुल नहीं है, इहदे नाल भी कोई परमात्मा प्राप्त नहीं हो जांदा। मुख्तसर इहदे जो गुरु बाबा कह रहे ने कि इह अनेकां तरह दे जो कर्म ने धर्म ने, इह अकाल पुरख दा मुल नहीं है, उहदी कीमत नहीं है। अगर कोई कीमत समझदा है तो नानक मथी मिथ्या, ऐसी सोचनी मिथ्या, ऐसा विचार करना मिथ्या। कर्म सचा निशान, दरअसल सच दा परवाना, सच्चा परवाना, सच्चा निशान ते है उदा कर्म, उदी बख्शिश, सच दी बख्शिश, सच दी रहमत। साहब अगा चल के कहंदे ने लख सुरती लख ज्ञान ध्यान, पढ़िए पाठ पुराण, लखां तरीके दी साधना दे नाल अपनी सुरत नूं पकाना, पक्का करना, और फिर लखां तरह दा ज्ञान हासिल करना, लखां तरीके नाल ध्यान जोड़न दी कोशिश करना, ते अनंत दफा पुराणा दा पाठ करना, धार्मिक ग्रंथां दा पाठ करना, ते ए पाठ इस तरह दी सुरत नूं पकाना, ते ध्यान साधना, ते अनंत तरह दा ज्ञान हासिल करना, जे परमात्मा दी कीमत समझ ले, उहदा मुल समझ ले, तो साहिब कहिंदे नानक मत्ती मिथ्या, इह सोचणी मिथ्या, इह विचार मिथ्या, इह उसदा मुल नहीं है। लख सुरती लख ज्ञान ध्यान, पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया, लिखिया आवण जान, जिस करते पुरख ने सारे जीवां दे मस्तक ते संस्कारां दे लेख लिखे ने, जिहदे हुक्म अनुसार आवणा हो रहा है, जावणा हो रहा है, आवण ते जाण दा हुक्म जिसने हर जीव दे नाल लिख दिता है, ऐसा जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, नेकियां जप तप योग साधना उसका मुल नहीं है। अगर ऐसा समझिया जा रहा है, ऐसा सोचिया जा रहा है, तो साहिब कहिंदे नानक मत्ती मिथ्या, कर्म सचा नहीं सां, ए मिथ्या है, ए सोचनी फिजूल है। कहिंदे ने बख्शिश प्रगट हो जाती है, बख्शिश दिखाई दे जाती है, और जब दिखाई देवे बख्शिश, तो ऐसा समझना चाहिए है, कोई भी कीता होया कर्म उसका मुल नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है, कि कर्म करदियां ही करदियां पता चलता है कर्म उसका मुल नहीं है। घाल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचंता, घाल ना घाल दे थक गए, साधना करदे करदे थक गए, अचनचेत मिलाप हो गया, अचानक मिलाप हो गया, ये अचानक मिलाप होना उदी बख्शिश है, उदी रहमत है। जब थक हार के बैठे हैं एक पासे और सोचे है कि कीते हुए कर्मा नाल थक गया, ते कर्म उसका मुल नहीं, उदों ही उसकी बख्शिश हो जाती है,
उदों ही उसकी रहमत हो जाती है। लेकिन यह सोचनी अंदर जरूर पैदा होवे कि मेरे कीते हुए कर्म उसका मुल नहीं ने। किसी नूं तो बहुत छेती समझ पै जाती है कि मेरे कीते हुए पुन, मेरे कीते हुए कर्म, मेरा कीता होया जप तप, मेरी साधी हुई योग साधना उसका मुल नहीं है। लेकिन किसी नूं बहुत समा लग जाता है, किसी नूं पूरा जीवन भी लग जाता है। तो कोई ऐसी ठोस बुद्धि दे भी आते हैं जिन्हां नूं कई जन्म भी लग जाते हैं। तो साहिब कहिंदे नानक मत्ती मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी। सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया। सच्चा साहिब वो परिपूर्ण परमात्मा मालिक है, पर सच्चा मालिक, बाकी झूठे मालिक ने। अज जिस जमीन दे असी मालिक हाँ, साथों पहले कोई होर मालिक सी, उस तो पहले कोई होर मालिक सी, उस तो पहले कोई होर मालिक सी। इस तरह मालिक बदलते रहे, मलकियत अपनी थां ते रही। जमीन दे मालिक बदलते रहे, जमीन अपनी थां ते रही है। तो एक गल तो स्पष्ट हो गई, असी झूठे मालिक हाँ। जिहड़ी चीज अज साढ़े कोल है, कल किसी होर कोल सी। जो धरती अज साढ़े कोल है, कल किसी होर कोल सी। इस वास्ते असी सच्चे मालिक नहीं हाँ। महाराज कहिंदे ने सच्चा साहिब, सच्चा मालिक ते परिपूर्ण परमात्मा आप है। वो पहले भी मालिक सी, हुण भी है, अगां भी होवेगा। उही सही मायने च मालिक है। क्यों? कि सब कुछ उसदा है, सब कुछ उसदे विच है, और सब कुछ उसदा ही है। मनुख अज्ञान वस हो के, अहंकार वस हो के कहिंदा है मैं मालिक हाँ, ते निरा मालिक ही नहीं, मालिक होण दा दावा करदा है, मालिक होण दी तख्ती लांदा है, मालिक होण दा प्रगटावा करदा है। जबकि हकीकत यह है मालिक ते परमात्मा है, ते परमात्मा मालिक होण दा किधरे प्रगटावा नहीं करदा, किधरे दावा नहीं करदा। साहिब कहिंदे ने सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया। जिसने चारों पासे जर्रे जर्रे विच सच ही वरता दिता है। भाव किसी चीज विच खोट ते किसी चीज विच गलती लभनी बहुत औखी है। रेत दे जर्रे नूं जिस ढंग नाल उसने बनाया है, ते सूरज नूं भी जिस ढंग नाल उसने चमकाया है, इहदे च खामियां लभनियां बहुत औखियां ने। इह गल वखरी है कि सोचण दी बुद्धहीण होवे, अपनी मत दे च खामी होवे, तां फिर करते दी कृत दे च खामियां दिखाई दे सकदियां ने, वरना खामियां नहीं ने। उन्हें हर पासे सच ही सच वरता दिता है, पूर्णता ही वरता दिती है। भाव किसे दे च खामी लभनी बहुत औखी है। सच्चा साहिब एक तू जिनी सचो सच वरताया। जिस तू दे तिस मिले सच, ता तिन्नी सच कमाया। जिसनू तू बख्शिश करके सच दे देवे, सच दी सोचनी, सच दी सूझ जिसनू तू दे देवे, ता सही मायने च सच दी कमाई उसने ही कीती है। सच्चा जीवन उसे नहीं बतीत कीता है। सच दा धारनी ओही है जिसनू ये सूझ मिल गई, जिसनू ये समझ मिल गई कि मालिक ते ओ आप है। इत्थे ते केती गई देख वाजे वजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। बड़े बड़े ढोल ढमके जिन्हां दे अगों वजदे सन, जिन्हां दे द्वार ते नौबत वजदी सी, अज उन्हां दी कबरां ते दीवा भी नहीं जलदा। जिन्हां दे अगों ढोल वजदे होए जांदे सन, अज बियाबान जीरान विच पए ने, सुनसान विच पए ने, उत्थे आवाज भी नहीं, सनाटा ही सनाटा है। तो साहिब कहिंदे ने इत्थे ते केती गई देख वाजे वजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। वह जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, वास्तविक उही सच्चा है, उही मालिक सच्चा है, ते उन्हें ही सच वरताया होया। किसे थां भी खोट ते कमी लभनी बहुत औखी है। जिस तू दे तिस मिले सच, तां तिन्नी सच कमाया। बख्शिश करके, रहमत करके जिसनू तू ए सच दे देवे, भाव सच की सोचनी दे देवे, सच की विचार दे देवे, सच का धारना दे देवे, ते फिर उही सच की कमाई करता भाव, उही सच दे अपना जीवन बतीत करता है। सतगुरु मिलिए सच पाया, जिनके हिरदे सच वसाया। आखिर सारी प्राप्ति का कुछ ना कुछ तो साधन। तो महाराज सत ने सतगुरु है, विच 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 दा सतगुरु है, जिसने सच नूं जाने, पुरख सत पुरख जिन जाने, सतगुरु तिसका नाम। दे हिरदे दे हिरदे दे सच है, जो सच नाल अठे पैर जुड़े होया है, उस सतगुरु नूं मिलके ही सच दी प्राप्ति होंदी है। भाव
सच दी चदी मिलती है, सच दी समझ मिलती है, और फिर वो सच हिरदे विच आण के वसदा है। मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया। मूर्ख अपने मन नू सामने रखता है, गुरुमुख गुरु सामने रख रखता है। दो इधर ने गुरु घर गुरुमुख ते मनमुख। जो मन नू सामने रख के जीवन बतीत करता है मनमुख, ते जो गुरु नू सामने रख के जीवन बतीत करता है गुरुमुख। मनमुख मूर्ख हुंदा है, गुरुमुख सियाणा हुंदा है। मनमुख अहंकारी हुंदा है, गुरुमुख विनम्र हुंदा है। मनमुख अंधकार विच जीवदा है, गुरुमुख प्रकाश विच जीवदा है। मनमुख तो जगत नू चोट लगती है, जबकि गुरुमुख तो जगत की उसारी होंदी है, तामीर होंदी है। मनमुख जगत लई बोझ है, गुरमुख जगत का बोझ उतारदा है, जगत दे भार नू थले लांदा है। मनमुख रस्ते का रोड़ा है, गुरमुख रस्ते का फुल है। मनमुख एक अड़चन है, एक रोक है, लेकिन गुरमुख ते एक हमवार पदरी जमीन है, सरल है। साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे फरमान करदे ने, जो मनमुख मूर्ख है वह सच नू नहीं जानदा, इस वास्ते अपना जन्म व्यर्थ गवा बैठता है। मूर्ख नादान जिन्हें मन नू ही सामने रखे है, जिन्हें अपने ही विचार नू सामने रखे है, जिन्हें अपने ही मूंह नू अपने बोलों नू सामने रखे है, गुरु दे बोल सामने नहीं रखे, गुरु दी विचार सामने नहीं रखी, गुरु दी होंद सामने नहीं रखी, बस मूर्खता दे विच ही जीवन बतीत कर रहा है। ऐसा जिहड़ा मूर्ख है, महाराज कहिंदे ने उह सच नू नहीं जानदा। मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। ऐसा जिहड़ा मूर्ख है वह दुनिया विच क्यों आया? दुनिया विच आण दा ते मतलब इतना सी कि दीन दी प्राप्ति होवे। संसार विच आण दा ते मतलब इतना ही सी कि निरंकार दी प्राप्ति होवे। निरंकार दी प्राप्ति नहीं होई ते संसार विच आण दा मतलब की होया? दीन दी प्राप्ति नहीं होई ते दुनिया विच आण दा मतलब की होया? इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, विच दुनिया काहे आया, तू किस लई इस दुनिया विच आया? दुनिया विच ते इसलिए आया सी कि तैनू दीन दी प्राप्ति होवे। दुनिया विच ते तू खड़ा है, दुनिया विच तू जी रहा है, दुनिया विच पैदा होया और दुनिया विच जीविया ते दुनिया विच ही मर गया, जीवन व्यर्थ चला गया। दुनिया विच जमया है, दीन विच मरया है। दुनिया विच जी रहा है लेकिन जीवन दीन विच है। स्वास दुनिया दे चल रहे ने, याद दीन दी चल रही है। पैर जमीन ते ने, मस्तक आसमान नाल जुड़िया है। इस तरह का जिहड़ा पुरश है उसका दुनिया विच आया सफल, इस तरह के पुरश का संसार विच आया सफल। और इस तो उल्ट विपरीत मूर्खता विच अपनी जिंदगी बतीत करन वाला, मन नू सामने रख के अपनी जिंदगी बतीत करन वाला और अहंकार विच अपना जीवन बतीत करन वाला, साहिब कहिंदे दुनिया विच फिजूल आया है, संसार विच फिजूल आया है और अपना जीवन वह व्यर्थ गवा लैंदा है। महाराज इस पौड़ी की आखिरी पंक्ति इंज फरमान करदे ने, विच दुनिया काहे आया, ऐ मनुख तू दुनिया विच क्यों आया? अफसोस कर रहे हैं, दुखत होके अफसोस पे करदे ने, क्यों आया है? फिजूल आया है, व्यर्थ आया है, दुनिया विच आया और दुनिया विच ही रह गया, उरार ही खड़ा तू रह गया। कहिंदे ने उरार ते दुनिया है, पार दीन है, उरार ते संसार है, पार निरंकार है, ते उरार जन्म होया ते उरार ही मर गया, परले कंडे ते पहुंचया ही नहीं, निरंकार तक पहुंचया ही नहीं, दीन तक पहुंचया ही नहीं। तो साहिब कहिंदे उरारले कंडे ही तू कानू आया सी। उरार ते इस वास्ते बंदा खड़ा हुंदा है, पार होने की सोचता है ते पार होने की कोशिश करता है, ते उरार खड़ा ही रह गया। तो उरार खड़े रहने का की मतलब सी? विच दुनिया काहे आया, तू तो किस लई इस दुनिया विच आया है? भाव व्यर्थ आया है। दुनिया विच आवना दरअसल दीन की प्राप्ति है, संसार विच आवना ही इसलिए है कि निरंकार की प्राप्ति होवे, करतार की प्राप्ति होवे।